हे गाइस आई वेलकम यू ऑल टू गैनमेटिक्स सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट सी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के एग्ज़ाम यानी सी डी एस के जी के पेपर के बारे में हम जी में जो भी सवाल पूछे गए थे उसको वन बाई वन डिस्कस करेंगे ये पार्ट वन है इस वीडियो सीरीज़ का बाकी पार्ट जो हैं वो जल्दी ही अपलोड की किए जाएंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे पास जो सीरीज है वो है सीरीज डी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जोग्राफी का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है हमारे पास दे आर रिच इन लाइम आयरन मैगनीशिया एंड एलुमिना यहीं से क्लियर हो रहा है हम किस सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं सेकेंड है हमारे पास दे आर जनरली क्लेली डीप एंड इम्पर्मीएबल थर्ड इज दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड गुजरात तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ब्लैक सॉइल ठीक है इसका जो सही आंसर है वो है डी ब्लैक सॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू अरेबिका रोबस्टा एंड लिब्रिका ये इनमें से किसकी वेराइटीज़ हैं आपके ऑप्शन हैं कॉफी टी शुगर केन और कॉटन तो इसका जो सही आंसर है वो है ए कॉफ़ी ये तीनों जो हैं वो कॉफ़ी की वैरायटीज हैं थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बहुत ही सिंपल सवाल है सीडीएस के लेवल के लिए आई होप आप सभी ने इसका आंसर किया होगा एल्यूमिनियम Alumin की ओर कौन सी होती है बॉक्साइट ठीक है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी बॉक्साइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेंड सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान ये जो है ये एन सी आर टी से उठाया गया क्वेश्चन है आई आई गेस एलैंथ या ट्वेल्थ की एन सी आर टी में जब आप पोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे वहाँ पर सभी पोर्ट्स की जो स्पेशलाइजेशन है या जो भी उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर गिवन हैं और जो इस सवाल आपसे पूछा गया है कौन सा पोर्ट जो है इंडिया का वो हैंडल करता है आयरन और एक्सपोर्ट्स को जापान के लिए वो है डी मोर मुगाओ पोर्ट आपको कमेंट करके बताना है कि मोर मुगाओ पोर्ट का दूसरा नाम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी आपके ऑप्शन थे कि ये एक्सचेंज uh, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सेकेंड इज स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ये एक्ट करता है थर्ड इज यूज एज यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर फोर्थ है हमारे पास यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन देखिए जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल सही हैं मनी की मनी uh, के फंक्शंस में लेकिन जो लास्ट ऑप्शन दिया है कि हम कंजम्पशन जो है वो मनी से रेगुलेट uh, कर सकते हैं तो ये एक बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी हम कंजम्पशन को मनी से रेगुलेट uh, नहीं कर सकते ठीक है ये इसका फंक्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स द सिचुएशन वेयर द इक्ब्रियम लेवल ऑफ रियल जी डी पी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जी डी पी ठीक है आपसे पूछा गया है कि जब रियल जी डी पी जो होती है वो पोटेंशियल जी डी पी से कम रहे तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ए रिसेशनरी गैप ठीक है इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है इसका उल्टा होता है जो रियल जी डी पी है वो ज़्यादा होती है पोटेंशियल जी डी पी से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज अगेन इजी क्वेश्चन अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है तो वहाँ से ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपसे पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो तो उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे ठीक है जो एक्सेस है आपका उसको हम क्या कहेंगे और इसमें बोरोइंग बारोइस जो हैं उसको एक्सक्लूड करना है इसका जो सही आंसर है वो है फिजिकल डेफिसिट देखिए अभी रिसेंटली बजट भी निकाला गया है तो वहाँ पे ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट करके बताइए इस बार हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है जो बजट के अकॉर्डिंग है बजट 2021 के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो है बी फिजिकल डेफिसिट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन जो है वो कहता है एक्सचेंज रेट्स स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी विच वन ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज करेक्ट तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ऑप्शंस के लिए आप पॉज करके ऑप्शंस देख सकते हो इसका जो सही आंसर है वो है ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज ठीक है जो आपके एक्सचेंज रेट हैं एक तो वो फिक्स नहीं है तो बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया यहाँ से दूसरा दूसरी चीज़ जो हमारे एक्सचेंज रेट हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम हम किस वैल्यू पे जो यू एस करेंसी है बेसिकली हमारी जो इवेल्यूशन uh, वैल्यू है वो हम यू एस करेंसी पे करते हैं और उसे uh, कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि डी वैल्यू करते हैं हम खुद अपनी करेंसी को ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और इम्पोर्ट्स को कम कर सकें लेकिन इसको ज़्यादा करने से हम जो हैं वो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में भी डल सकते हैं सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से एथ का आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज फ्रेंकोइस बर्नियर वॉज फिजिश फिजिशियन टू विच प्रिंस ठीक है आपसे पूछा गया है फ्रेंकोइस बर्नियर जो हैं वो किसके दरबार में थे तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रिंस दारा शिको इसका सही आंसर है डी प्रिंस डारा शिको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वॉज टेकन ओवर बाय सूरजमुल नगर ग्रुप ये बहुत ही डिफ़िकल्टी से मुझे सर्च करने के बाद इसका आंसर मिला था अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा और मुझे करेक्ट करिएगा इसका जो सही आंसर है वो है मैक्इड

प्रिंसिपल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेत एंड द स्टेट रेत जो है वो बेसिकली पीजेंट्स थे और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि रेत वारी में क्या था हमारी जो टैक्स की डीलिंग थी वो डायरेक्ट थी रेोत और स्टेट के बीच में कोई मिडल मैन नहीं था यहाँ पे तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो इसका आंसर नहीं हो सकता नेक्स्ट है हमारे पास इट मीन्स अ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर थर्टी ईयर्स और ये भी एक सही स्टेटमेंट है इसका आंसर ये नहीं है लास्ट हमारे पास दिया है इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर एलाइट यानी जमींदार एंड वीकेंड द पेजेंटरी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो हमारी डीलिंग थी वो मिडल मैन यहाँ पर रिमूव कर दिए गए थे डायरेक्ट डीलिंग थी पीजेंट्स के साथ रिओर्ट्स के साथ तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी क्योंकि डी स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विसेज इज नॉट करेक्ट ठीक है आपसे पूछा है नॉट करेक्ट तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी है कि आई जो है 1764 में स्टार्ट हुए थे तो ये एक सही स्टेटमेंट है 1763 और 64 में ये स्टार्ट हुए थे सेकेंड है इट रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये भी सही स्टेटमेंट है थर्ड है इंडियन वर इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू आईएमएस ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट इंडियन जो एडमिट हुए थे आईएमएस में वो थे सूर्जो कुमार चट्टोपाध्याय चक्रवर्ती सॉरी सूरजो कुमार चक्रवर्ती सो so, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी क्योंकि इंडियंस जो हैं वो भी इसमें रिक्रूट हुए हैं लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए आईएमएस जो है वो इट वाज फर्स्ट मेंट फॉर द ट्रूप्स ठीक है ट्रूप जो आपकी मिलिट्री में डॉक्टर्स रहेंगे वो यहाँ से रिक्रूट होते थे पुराने टाइम में नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेन वॉज दिनोपली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाइना में मोनोपली थी ट्रेड की ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कौन से चार्टर में रिमूव हुई है 1813 की बात करें तो 1813 में इंडिया की मोनोपली जो है वो लूज़ की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में 1833 में चाइना की मनोपली जो है ट्रेड की वो लूज हुई थी वो लूज़ करी थी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 नेक्स्ट है हमारे हाँ पास क्वेश्चन नंबर फोर्टीनथ अगेन वेरी ईजी एन यानी ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका चेयरमैन कौन होता है तो इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ विश वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इज आर करेक्ट तो आपसे पूछा गया है कास्टिंग वोट के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्पीकर स्पीकर के पास ये पावर है कास्टिंग वोट की जब कभी फर्स्ट इंस्टेंस के बाद फर्स्ट इंस्टेंस में सभी वोट करते हैं स्पीकर भी वोट करता है फर्स्ट इंस्टेंस में अगर उस चीज़ के बाद इक्वलिटी आती है तो एक वोट एक्स्ट्रा डाल सकता है स्पीकर वो उस वोट को बोलते हैं कास्टिंग वोट ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है थर्ड स्टेटमेंट इक्वलिटी ऑफ वोट्स के टाइम पे ये कास्ट किया जाता है ये भी सही है लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा ए में वन टू एंड थ्री ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटींथ वेरी इजी आपको जो आपके एक जो आपके लॉज हैं शुरू के जो राइट right टू इक्वलिटी uh, हैं या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं जितने भी राइट्स हैं हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर कौन सा है तो आपको एटलीस्ट आर्टिकल फोटीन से लेकर थर्टी टू या थर्टी फाइव तक का आर्टिकल्स जो हैं वो पता होने चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है तो आपसे पूछा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है तो ये बहुत ही ईज़ी सवाल है आर्टिकल फोर्टीन इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय टी एच ग्रीन थॉमस हॉब्स जॉन अस्टिन या फिर पैट्रिक डेवलिन तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन अस्टिन और इनके साथ जो दूसरे शख्स थे इस थ्योरी के साथ रिलेटेड वो थे जेरेमी बैंथम तो इसका जो सही आंसर है वो है सी जॉन अस्टिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीनथ एटीनथ का जो आंसर है वो मैं श्योर sure नहीं हूँ इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊँगा अगर आपको इसका आंसर पता है प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम कमेंट में ही डिस्कस कर सकें इस क्वेश्चन को और बाकी व्यूअर्स को भी इस इसका आंसर जो है वो पता चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मिल्पा एंड लदांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर तो मिल्पा लदांग जो है ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोकल नेम्स हैं मिल्पा की बात करें तो मिल्पा जो है यूकेटन पनिन्सुला के रीजन का शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं और लदांग की बात करें तो लदांग जो है इट इज़ रिलेटेड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ आपका एक तो जावा का आ गया और दूसरा आपका आ गया इंडोनेशिया का ठीक है तो ये दो कंट्रीज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं लदांग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इनिशली प्रपोज बाई आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्फोसाइज ऑन हेल्थ एजुकेशन फूड वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाउसिंग तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो वेलफेयर अप्रोच जो है वो रही है हमारी जब आई एल ओ नया नया बना था जो हम फर्स्ट डेक्लेशन है वो रिलेटेड है वेलफेयर अप्रोच से तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वेलफेयर अप्रोच ठीक है जो भी वर्कर की वेलफेयर के बारे में इन्होंने जो है वो बात करी थी तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वेलफेयर अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट है? है हमारे पास क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ अ नॉन मेटल बट इज़ lustrous? लस्चरस तो वो काफ़ी बेसिक फैक्ट था बहुत ईजी है अगर आपने साइंस पढ़ी है ये सवाल जो है ये आई गेस नाइन्थ या टेंथ का सवाल है और इसका जो सही आंसर है वो है डी आयोडीन ठीक है बहुत बार सवाल ये एग्जाम्स में पूछा जाता है एसएससी के सवाल एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बहुत ही कॉमन सवाल है आई होप आपने इसका आंसर किया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव हैज़ बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस टाइम मेटल्स uh, की सोडियम गोल्ड सीजियम सीजियम नहीं है सीई जो है कमेंट करके बताइए सी ई uh, किस एलिमेंट का नाम है और एच इज मरकरी तो यहाँ पे ए यू जो है आप अगर आपको पता होगा कि गोल्ड का जो नाम है जो उसकी हम किस तरह से लिखते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे इसका जो सही आंसर है वो है बी ए यू ठीक है ए यू यानी गोल्ड गोल्ड वेरी इजी काफ़ी मेलिबल होता है और डक्टाइल भी काफ़ी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड वी आर गिवन थ्री कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाइस्ट रेजिस्टिविटी तो काफ़ी अच्छा सवाल था और इजी भी था लेकिन मुझे लगता है बहुतों ने एक गलती की होगी इसको फार्मूला से रिलेट करके आपके पास फार्मूला रहता है आ, आ, रो इक्वल टू तो आर ए बाय तो हो सकता है आपने इसे इस तरह से करने की कोशिश की हो कि आर रो जो है रेजिस्टिविटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल लेकिन अगर आपने ऐसा किया है और इसका ऑप्शन ए बी या सी में से कोई टिक किया है तो आप बिल्कुल गलत हो रेजिस्टिविटी जो होती है ये कॉन्सटेंट होती है मटेरियल की तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉपर वायर बोला है कॉपर जो है वो बेसिकली मेटल दिया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी ठीक है सो मुझे लगता है कि आपने इसका सही आंसर जो है वो किया होगा नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजन से रिलेटेड आपसे कुछ स्टेटमेंट दी हैं आपको बताना है, आप है इनमें से कौन सी करेक्ट है फर्स्ट है हमारे पास इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये जो है बायो की टर्म्स में बायोलॉजी में ये बिल्कुल सही टर्म है सेल डिवीजन की या बाइनरी फिजन की ठीक है तो इसका सही आंसर है फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इट इज़ रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई तो ये भी फिजन की करेक्ट स्टेटमेंट है न्यूक्लियर फिजन की इन केमिस्ट्री ठीक है तो केमिस्ट्री पर्पज में आपके पास सेकेंड जो है वो सही स्टेटमेंट बन गई फर्स्ट आपकी बा, बायोलॉजी की टर्म्स में आ गई थर्ड हमारे पास दिया है इट इज़ रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई बाई मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टू हायर न्यूक्लियाई तो बेसिकली थर्ड जो है वो फ्यूजन की बात कर रहा है कि दो न्यूक्लियाई को मिक्सअप uh, करके या कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाना तो so, वो बेसिकली फ्यूजन है तो so, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी वन एंड टू ओनली अगेन इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फिफ्थ विश वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो आपके ऑप्शन थे आप प्लास्टिक शीट एब्सोल्यूटली रॉन्ग डिस्टिल्ड वाटर ह्यूमन बॉडी एंड वुडन थि शीट तो ए और डी तो आई होप किसी ने नहीं किया होगा आपको कन्फ्यूजन जो है वो हुई होगी बी और सी में डिस्टिल्ड वाटर की बात करें वाटर देख के हो सकता है आपने कर दिया हो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वाटर में इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन यहाँ बात की गई है डिस्टिल्ड वाटर की डिस्टिल्ड वाटर किस चीज़ को बोलते हैं जिसमें कोई आयंस नहीं होते ठीक है हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि वाटर में इंप्योरिटीज़ हो उसमें आयंस हो ठीक है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वहाँ पे आयंस नहीं होते इसलिए ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका जो सही आंसर था वो था सी ह्यूमन बॉडी बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी uh, का इसीलिए हमें शॉक लगता है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इजी भी था अ नॉन सफेरिकल शाइनिंग स्पून ठीक है आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ नॉन सफेरिकल लिखा है कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज़ अ सफेरिकल मिरर पैराबोलिक मिरर प्लेन मिरर या लेंस तो इसका जो सही आंसर था वो था सफ़ेरिकल मिरर ठीक है आपके जो कर्व मिरर होते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर वो बेसिकली होते हैं सफ़ेरिकल मिरर पैराबोलिक मिरर नहीं होते तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए तो हो सकता है आपने नॉन सफेरिकल देख के इसको पैराबोलिक मिरर कर दिया होगा लेकिन इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सफेरिकल मिरर इनको कर्व मिरर भी बोलते हैं इसी में आते हैं वो दोनों Uh, एक साइड जो होगी स्पून की वो रहेगी आपकी कन्वेक्स और दूसरी साइड रहेगी कनकेव नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अमंग्स द फॉलोइंग इज अ प्योनियर इन डिस्कवरिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो नो no डाउट आपने ये क्वेश्चन किया होगा आपके ऑप्शन थे इजाक न्यूटन गैलीलियो गैलीलिया जेम्स पी जूल और जेजे थॉम्सन तो आपने जूल तो आपको पता ही है एनर्जी की यूनिट है और जूल का एक्सपेरिमेंट था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है तो इसका जो सही आंसर है वो है सी जेम्स पी जूल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच फन ऑफ द फॉलोइंग लॉज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आपके ऑप्शन थे राइट हैंड थम रूल ये आपकी डायरेक्शन बताता है सेकेंड uh, है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और थर्ड है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट और राइट हैंड रूल भी आपको डायरेक्शन बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो आपके पास ऑप्शन जो रहता है वो रहता है डी डी है फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ये जो है ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Uh, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास कॉइल है तो उसमें ई जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा है कमेंट करके बताइए फेरेडिज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन क्या है तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम 29 से लेकर आगे जितने कवर हो पाएंगे क्वेश्चन वो जल्दी ही अपलोड करेंगे सो ऑल द बेस्ट एंड Wish you a good fortune. God bless you all.